सर्वसामान्यांची काळजी वाढवणारी एक बातमी. देशात कोरोना रुग्णसंख्येत वाढ सुरूच आहे. 24 तासात 628 नव्या रुग्णांची नोंद झाली आहे. तर तिकडे केरळमध्ये एकाचा कोरोनामुळे मृत्यू झालाय. राज्यात 24 तासात 50 नवे रुग्ण आढळलेत. तर केरळमध्ये 128 आणि कर्नाटकात 73 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली आहे. या रुग्णसंख्येत वाढ होते त्यामुळे सरकारनं काळजी घेण्याचं आवाहन केलंय. एकतर आज क्रिसमस आणि नववर्षाचं स्वागत करताना गर्दीत जाताना मास्क वापरा असं आवाहन सरकारकडून करण्यात आलंय. सो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा ही होगा. मतलब आप जैसे कि देख सकते हो यार, महाराष्ट्र के अंदर फिर से एक बार जो कोरोना ने बहुत ही ज़्यादा कमबैक कर लिया है. ओके, मतलब आगे आने वाले कुछ दिनों के बाद मतलब हो सकता है कि और भी ज़्यादा इसके पेशेंट्स वगैरह बढ़ जाए. जैसे कि एक्सपर्ट्स वगैरह का मानना है कि आपको जैसे कि बताया कि अभी न्यू ईयर भी आ रहा है, क्रिसमस भी आ रहा है. ओके, तो ऐसे अवसर पर जो है अक्सर गोवा के साइड में हो जाए या फिर केरल के साइड में, केरला के साइड में. और बात की जाए केरला के अंदर तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा जो कुछ भी है संख्या वगैरह बढ़ने वगैरह चालू है. उसके बाद महाराष्ट्र में ही आपने जैसे कि न्यूज़ आर्टिकल्स में भी पढ़ा होगा कि 50 न्यू पेशेंट जो है सामने निकल कर आए. और केरल में जो एक मतलब एक जो कुछ भी आदमी वगैरह होगा उसकी डेथ भी हो चुकी है. मतलब परिस्थिति सीरियसली अभी थोड़ी सी गंभीर होती हुई जा रही है. और मतलब देख रहे हो सारी तरफ मतलब न्यूज चैनल्स भी कवर कर रहे हैं. ओके, उसके बाद बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इसको कवर कर रहे हैं. मतलब बहुत ज़्यादा ये दिक्कत वाली बात एक प्रकार से सामने आ चुकी है. चर्चे का विषय फिर से एक बार ये बन चुका है. कोरोना वगैरह पूरी तरीके से चला गया था यार. मतलब 2023 के स्टार्टिंग में किसी को लगा भी नहीं होगा कि एंड कुछ इस प्रकार से होगा. फिर से एक बार जो हमको कोरोना का फिर से 2 साल पहले का रूप वगैरह देखने के लिए मिलेगा. फिर से एक बार इतने ज़्यादा पेशेंट्स वगैरह मिलने लगेंगे. क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर ही अगर मान लो कि 50% मतलब न्यू केसेस आ रहे 50 यार, ऐसा नहीं कि पुराने को काउंट करके जो फ्रेश केसेस है वैसे जो है 20 नए आए. केरल में बात की जाए तो वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा 600 प्लस जो है मतलब आ चुके हैं. मतलब 128 यहाँ पर कुछ को भी रजिस्टर हुआ. इंडिया की बात की जाए 628 या फिर 14 समथिंग न्यू केसेस आ चुके हैं. और हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी हो या कम तो नहीं होगी, इससे ज़्यादा ही होगी. पर हो सकता है कि उन्होंने जो है थोड़े बहुत मतलब काउंट करने रह गए हो या फिर जो है आने मतलब एक एक पूरे दिन की जो अपडेट वगैरह उनकी चलती रहती है यार. तो अब तक जो है हम जब इस वीडियो को आप जब देख रहे हो सकता है कि तब भी एक दो पेशेंट फिर से एक बार निकल जाए. तो ऐसे मतलब आपको जैसे कि बताए कि 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 वगैरह ऐसे होने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती मेरे दोस्तों. ओके, और मतलब इस मतलब जो कुछ भी अपना JN1 नया वायरस है उस पर ऐसा भी कहा गया है काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट्स के द्वारा कि ये मतलब जो कुछ भी ऐसा वेरिएंट है कि जो कुछ भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी जो है सर्कुलेट हो रहा है अपने ह्यूमंस में. ओके, मतलब इसका ट्रांजिशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो रहा है. और ये मतलब आपको जैसे कि बताया कि वायरस है और मतलब कोरोना वायरस स्पेशल जो है एयर इन्फेक्टेड वायरस है. मतलब हवा से भी ये पसरता वगैरह. और ज़्यादा करके जो अगर किसी को कोरोना वगैरह हो चुका है और उसके पास अगर आप जाओगे तो वो मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है कि आपने अगर मास्क वगैरह नहीं पहना, सैनिटाइज नहीं, वैक्सीन वगैरह नहीं ली तो जल्दी से जल्दी वायरस जो आपको अफेक्ट वगैरह कर सकता है. ओके, तो पहले सिम्टम्स यहाँ से जो है कई मतलब नहीं बताने की ज़रूरत नहीं. आप सभी को जानते ही होंगे कि क्या इसके लक्षण वगैरह. मतलब सर्दी जुकाम तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन इसका फैक्टर है. साथ में और भी बहुत ज़्यादा एडिशनल भी आ चुके हैं. ओके, तो ऐसे बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रही है. और मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट भी परेशान है कि भैया एग्जाम सीजन सर पर है और मतलब स्टडी भी इसके कारण अच्छे खासे नहीं हो पा रही है. ओके, मतलब कई ज़्यादा बोर्ड के स्टूडेंट तो स्पेशली जो है यहाँ पर बहाना ही ढूंढ रहे. वो ऐसे मतलब एक रील वगैरह देखे मैंने, उस पर जो है सीधा मतलब 3 मिलियन प्लस व्यूज़ थे. ओके, 3.5 मिलियन जब कल या परसों देखा था ना, 3.5 मिलियन व्यूज़ थे. ओके, तो अभी ही बात की जाए उसके बारे में तो 5-6 मिलियन तो आराम से हो चुके हो गए. मतलब आप सोच सकते हो यार, और लगभग जो है 5.5 लाख स्टूडेंट ने जो है या फिर बोल सकते हैं आदमियों ने या फिर कोई भी इंस्टाग्राम यूजर्स ने जो इसको शेयर भी वगैरह किया था. ओके, तो इतनी ज़्यादा जो है फिर से एक बार परिस्थिति बिकट हो चुकी है. तो मतलब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने ज़्यादा स्टूडेंट जो है इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं. स्टडी को छोड़कर जो है थोड़ा बहुत यहाँ पर उनका कॉन्सेंट्रेशन अभी ज़्यादा हो चुका है न्यूज़ आर्टिकल की तरफ कि क्या नई खबर आती है, क्या कोविड के कितने पेशेंट बढ़े कितने नहीं. ओके, तो ऐसे मतलब सब कुछ जो है उनका चल रहा है. तो आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएं कि आप कहाँ पर रहते हो और आपके यहाँ पर कोई कोरोना पेशेंट्स है या फिर नहीं है. ओके, तो जैसे ही और भी कोई नई अपडेट वगैरह आ जाती तो मैं ज़रूर से आप मतलब इस चैनल पर जो है कवर कर दूंगा. फिलहाल तो लिए मतलब फिलहाल तो इतना ही. मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में. स्टडी पर कॉन्सेंट्रेट करते रहिए. कोरोना वगैरह जब कुछ मतलब जहाँ पर भी आएगा, जब भी पेशेंट वगैरह और भी बढ़ेंगे, फिर से एक बार एक वीडियो के द्वारा मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि क्या मतलब परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो चुकी है या फिर नहीं. ओके, तो फिलहाल की अगर बात की जाए तो एवरेजली अभी चल रही है. मतलब रेगुलर से भी ज़्यादा पेशेंट जो है निकल कर सामने आ रहे. तो देखते हैं कि आगे आने वाले कुछ दिनों में और कुछ मतलब क्या कुछ परिस्थिति होती. बस आज की वीडियो में इतने में मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में. इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा. जय श्री राम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र.